नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच जो खेला गया मुकाबला। ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक मुकाबला खेला गया। 277 रनों का पारी आज तक किसी टीम ने ना बनाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो भी। और आज के दिनों आपको बता दें मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये सबसे बड़ा स्कोर है और साथ में आपको बता दें इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कोर IPL में बन चुका है। और ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ खेला गया दोनों ही टीमों के लिहाज से, क्योंकि इस मुकाबले में मुंबई भी हार नहीं मान रही थी। जिस प्रकार का यह मुकाबला खेला गया आपको इस वीडियो में फुल अलर्ट दिखाएंगे, जो कि किस प्रकार सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले में अपने जीत के लिए जी जान लगाए, उसी प्रकार इस मुकाबले में अपनी शानदार जीत के लिए जी जान लगा दी मुंबई इंडियंस की तरफ से तिलक वर्मा ने जो इस मुकाबले में शानदार विनिंग पारी जो खेले ना वो कमाल के खेले, क्योंकि इस मुकाबले में उनकी तरफ से 14 गेंदों में आया शानदार वाले बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, जिस कारण से अपनी टीमों को जिता सकते हैं, जिस कारण से अपनी टीमों को जिता देंगे वो पारी आखिरकार खेलते हुए नजर आए। यही जो उनसे उम्मीद था वही कारनामा आज के दिनों इस मुकाबले में करके दिखाए थे, लेकिन थोड़ी से चूक गए, नहीं तो इस मुकाबले को ही जिता देते। इतने ज्यादा जो शानदार फॉर्म में चल रहे थे हमारे ये तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में इस मुकाबले में लगा दिए 34 रनों की पारी खेल दिए। वो पारी, वो लाजवाब इनिंग जो देखने के लिए हर कोई तरस रहा था और मुंबई इंडियंस के लिए आया था विनिंग पारी के तौर पर। अगर तिलक वर्मा इस मुकाबले में 2 ओवर कम से कम और खेल लेते 12 गेंद तो इस मुकाबले में मैच को फांसा पलट के रख देते, मुंबई इंडियंस को कभी भी इस मुकाबले में पलक झपलते ही जिता सकते थे। लेकिन हुई उनसे भूल, हुई उनसे चूक, जिस कारण से इस मुकाबले में हार गई मुंबई इंडियंस। वो गलत शॉट के कारण वो उनका विकेट गिरा, वो आउट हो गए, नहीं तो आउट नहीं हो रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।